कृतिका अंकल आप लोग? नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल, लेकिन क्या कर रहे थे तुम? कब से फोन कर रही हूँ, रिंग हो रही है, तुम उठा नहीं रहे थे तो मैं। कृतिका तुम भी खामखा परेशान हो जाती हो, मैं शायद सो रहा हूँ इसलिए फोन नहीं सुना होगा। अच्छा बेटा, अब तबीयत कैसी है? आई एम मच बेटर अंकल, अभी तो मेरे स्टिचेस भी खुल गए तो घूम फिर भी सकता हूँ। घूमने फिरने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर जो कहेंगे वही होगा। डॉक्टर अब घाव कैसे हैं? जी उनको और कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। ओके मैं चलता हूँ, टेक केयर। थैंक यू। सुना ना डॉक्टर क्या कह के गए, अब कोई घूमना फिरना नहीं, तुम सिर्फ आराम करोगे। ओके बाबा ओके, तुम टेंशन मत लिया करो। चलो बेटा काफी रात हो चुकी है, ऋषभ तुम आराम करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, चलो। चिंतन अंकल अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना, प्लीज। मम्मी आपने ठीक किया कि करण को कहा कि अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। इस बहाने श्वेता को भी इस घर का अनुशासन पता चल गया, उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अकबर जी। मैडम कृतिका अपने कमरे में है? नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। आप जाइए, जरा फोन करेंगे कृतिका को प्लीज, पूछिए इतनी देर कहाँ है। हेलो। हेलो कृतिका। हाँ भाभी। कहाँ हो तुम, इतनी देर हो गई है, मम्मी परेशान हो रही है। भाभी मैं ऋषभ के यहाँ हूँ, मम्मी को बता दीजिए आने में शायद थोड़ी देर हो जाए। बाय। ऋषभ के साथ है। आप फिक्र मत कीजिए, ऋषभ के साथ है, ऋषभ के साथ है, ऋषभ के साथ है, ऋषभ के साथ, ऋषभ के साथ, ऋषभ के साथ।